खिद्यान सपनों की उड़ान। मुन्ने को मत जगाओ। लेखक ह्यून। माँ जब से मुन्ने के साथ घर आई है, जू और जी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। जब मुन्ना सोता है तो उन्हें शोर मचाना मना है, लेकिन मुन्ना तो हमेशा ही सोता रहता है। वह घर में दौड़ भाग नहीं सकते, और तो और नाश्ते के समय बात करने पर भी पाबंदी है, चिल्लाना तो बिल्कुल भी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सबसे मुश्किल नियम तो यह है, जब मुन्ना सोया हो तो जू और जी बस फुसफुसाकर बात कर सकते हैं। अगर उनको हंसना हो तो हल्के से खी-खी कर लें। एक दिन वह इतनी मजेदार कहानी पढ़ रहे थे कि अपने आप को रोक ही नहीं पाए, हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बाबा रे, मुन्ना सो रहा है। मुन्ना जाकर रोने लगा। माँ नाराज हो गई। माँ ने डांट कर बाहर जाकर खेलने को कहा। जू रूठ जाती है, उसे डांटा जाना एकदम अच्छा नहीं लगता। जी उसे दिलासा देता है। वह कहता है कि बाहर खेलने में ज्यादा मजा आएगा, जितना जी चाहे हम शोर मचा सकते हैं। थोड़ी देर फुटबॉल खेलने के बाद जू और जी फिर से खुश हो गए। जी ने गेंद को ठोकर मारी, गोल। गेंद उछल कर बगीचे के पार, धम। अरे नहीं, मुन्ना जाग गया। अब क्या होगा? मुन्ना जोर जोर से रोता है। उसकी रुलाई की आवाज से दूध की बोतल टूट जाती है, बोतल की आवाज से भगोना टूट जाता है, भगोने की आवाज से खिड़की में दरार आ जाती है। मुन्ने की रुलाई इतनी तेज है कि छत ऊपर उठ जाती है। उनका भाई तो चुप ही नहीं होता। जू और जी अंदर भागे। माँ किधर है? जू मुन्ने को गोद में उठाती है और गाती है, ला 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 ला। लेकिन मुन्ना रोता ही रहता है। जी नाचता है, कलाबाजियां करता है, लेकिन मुन्ना रोए जा रहा है। बच्चे चुप कैसे होते हैं? जल्दी ही जू और जी भी रोने लगते हैं। तभी माँ घर आती है। माँ मुन्ने को उठाती है, उसे प्यार करती है, लोरी गाती है। मुन्ना चुप हो जाता है। अब जू और जी समझ जाते हैं, बच्चों के लिए शांत रहना असंभव है, इसलिए अच्छा यही है कि वह शोर ना करे। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं आप सबसे जल्द मिलूंगी एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए किड्यान सपनों की उड़ान।